आपको फुल स्टैक के लिए जाना है ना गाइस, मैं आपको यही कहूँगा कि आप मीन या मर्न पकड़ो। आप एज अ जावा कॉम्बिनेशन और फिर फ्रंट एंड पे रिएक्ट या फिर यू नो आप एंगुलर पकड़ रहे हो, वो थोड़ा सा ना इंटरव्यू बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो होता क्या है, एक घंटे का आपका फ्रंट एंड पे राउंड हो रहा है, एक घंटा आपका बैक एंड पे हो रहा है। कभी कभार आप कंपनी में आप जाओगे या तो एक टाइम पे आप फ्रंट एंड, अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन पकड़ोगे ना जावा और ये वाला फ्रंट एंड वाला, ये क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मेरा स्टार्ट हुआ करियर एज अ बैक एंड, अब फिर मेरा इंटरेस्ट फ्रंट एंड में था तो इसलिए फिर मुझे फ्रंट एंड साथ में ऐसे चला के चलना पड़ा, जावा और फ्रंट एंड वाला पार्ट साथ में ऐसे लेके चलना पड़ा। बट ठीक है, मैं बस यही कोशिश करता हूँ। लाइट वेट जला लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक नए व्लॉग के अंदर। सो टाइटल थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो गाइस, जैसे मैंने अभी इंटरव्यूज़ वगैरह काफ़ी दिए हैं, फुल स्टैक पे दिए हैं, मतलब मेरा जो करियर रहा है अभी तक वो वेब डेवलपमेंट के अराउंड रहा है। फिर फ्रेमवर्क्स की बात करें या फिर लाइब्रेरी की बात करें, जे क्वेरी, रिएक्ट जेएस है ना, या फिर वनीला जावास्क्रिप्ट, फिर बैकएंड में स्प्रिंग हो गया, हाइबरनेट हो गया। तो कभी कभार कुछ चैलेंजेस रहते हैं फुल स्टैक भी, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। जब तक आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो ठीक है, बट जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो समटाइम एज अ एक्सपीरियंस काफ़ी चैलेंज रहते हैं एज अ फुल स्टैक जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। एक आधा मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। एंड अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो हाउ टू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट अभी इस टाइम पे 2022 में, किन बातों का आप ध्यान रखें, इवन अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो किन बातों का आप ध्यान रखें, ये बहुत सारी इनसाइट्स हैं जो मैंने अभी अपने एक्सपीरियंस से गेन करी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस व्लॉग में वो सब कुछ बताऊं, अपना एक्सपीरियंस, और अगर फ्रंट एंड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गो विद दैट यार। ज़रूरी नहीं कि फुल स्टैक में ही पैसा है, आपको फ्रंट एंड में भी उतना पैसा मिल जाता है। पर बाकी इट्स ऑल डिपेंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो मैं जब वीडियोज़ बनाता हूँ तो मेरा सारा एक्सपीरियंस, मेरे करंटली जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ उसके बेस पे होता है। तो चलिए कैमरा सेटअप करते हैं, बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, एम करते हैं इस पे 5000 का। अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। चलिए सेटअप करता हूँ, बात करता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगनर हैं, एक्सपीरियंस है, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। चलिए आइए बात करते हैं। आओ जी बैठो, बात करते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपके लिए आसान करने की कोशिश करूँगा ताकि आप इजीली डिसाइड कर पाओ। अगर आप बिगनर हो, आपको समझ नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन जाना चाहिए बैक एंड में जावा या फ्रंट एंड में रिएक्ट, और मुझे मीन जाना चाहिए, मर्न जाना चाहिए, मार्केट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए मैं ट्राई करूँगा कि मैं कुछ आपको ऐसे एडवाइस करूँ ताकि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करे। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये हर व्यूअर के पास जाए, हर एक स्टूडेंट के पास जाए और वो एक सही अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ सके। मैं जितना भी कुछ आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूँ, और जो मैंने फ़ेस किया है और जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ इंटरव्यू के टाइम पे, वो सारा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँ। ऑल दो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर, फुल स्टैक के ऊपर, बट मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या कॉम्बिनेशन चलते हैं, राइट। बट ये थोड़ा सा वीडियो अलग रहेगा। जैसे बात करते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हों, आपको कोई आइडिया नहीं है कि वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करें, राइट, तो सबसे पहला, अभी हम मोबाइल के बारे में बात नहीं करेंगे। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी वेब डेवलपमेंट में हम यूज़ करते हैं उनका यूज़ करके हम मोबाइल ऐप्स भी बना लेते हैं, राइट। जैसे हाइब्रिड ऐप्स है ना, फ्लटर का यूज़ करके हम वी कैन मेक, मोबाइल वाला भी कोड बेस सेम रहेगा और वेब के लिए भी सेम रहेगा। रिएक्ट नेटिव है, ऐसे आप रिएक्ट जेएस भी सीखते हो, बट सिंटेक्स अगर रिएक्ट नेटिव में देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेगा, ठीक है। एचटीएमएल सीएसएस आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हो। तो अब थोड़ा सा टाइम जैसे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो जो टेक्नोलॉजी आप वेब में यूज़ कर रहे हो वही आप मोबाइल में भी यूज़ करके एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हो, राइट, और यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाते हो। बट अभी जैसे हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट के अराउंड, अगर आपको अपना करियर शुरू करना है तो मेरे हिसाब से फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कोई भी इंटरव्यूअर ना ये नहीं पूछेगा कि एचटीएमएल क्या होता है, कोई आपसे बहुत ही रेयर किसी ने पूछ लिया तो पूछ लिया। जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, 40+ 30+ इंटरव्यूज़ जितने मैंने दिए हैं अपने अभी तक थ्रू आउट, अभी जो लास्ट रेजिग्नेशन था और अभी जो दोबारा मैंने किया था, तो जितना मैंने देखा है एज अ एक्सपीरियंस, अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे से तो जो पूछा गया है वो
प्रोजेक्ट हो गया या फिर करंटली मैंने किस फ्रेमवर्क पे काम किया है या फिर हाई लेवल डिज़ाइन लो लेवल डिज़ाइन इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बात होती है। बट एक फ्रेशर के लिए शायद ये ना हो, उससे शायद हाई लेवल डिज़ाइन लो लेवल डिज़ाइन ना पूछें। तो आपको क्या करना है स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले HTML कवर कर सकते हो। देखो रिसोर्सेज की टेंशन मत लेना, वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, यू कैन डायरेक्टली फॉलो, है ना। बट थिंग इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एज अ कॉम्बिनेशन अगर जाऊँ फुल स्टैक जाऊँ या ना जाऊँ। इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर, और जैसे जैसे थॉट्स आ रहे हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले HTML, CSS इतना एडवांस नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मुझे एक डिव को सेंटर करना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसे करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप, है ना, पैडिंग, तो इन प्रॉपर्टीज़ का आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। विड्थ हाइट कहाँ कैसे लेना है, है ना। इवन जब आप, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के अराउंड बहुत सारी पोजीशंस हैं, वेब डिज़ाइनर है, UI डिज़ाइनर है, UX डिज़ाइनर है, है ना। UX डिज़ाइनर कौन होता है, जो यूज़र के एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के डिज़ाइन करवाता है ऐप। एक खाली डिज़ाइन करता है, वेब डिज़ाइनर जो खाली डिज़ाइन करेगा फिग्मा फ्रेमर या फोटोशॉप के अंदर। एक UI डिज़ाइनर होगा जो उसे कन्वर्ट करेगा HTML CSS के अंदर। इस वेब डेवलपमेंट के अराउंड ना गाइस बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, बहुत सारी। अब डिपेंड करते हैं आप कोई छोटी कंपनी में जा रहे हो, है ना, और या फिर आप कोई बड़ी कंपनी में जा रहे हो, तो वहाँ आपकी डेजिग्नेशन बदल सकती हैं। अगर आप कोई ऐसे स्टार्टअप में चले गए, वहाँ पे आप ही UI डिज़ाइनर हो, सब कुछ आप ही हो, ऐसे वाली चीज़ें भी होती हैं, है ना। सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आपको अपना वेब डेवलपमेंट में करियर स्टार्ट करना है, HTML अच्छा करो, CSS अच्छा करो, और JavaScript, वनीला JavaScript, नॉर्मल छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे स्ट्रिंग के ऊपर, एरे के ऊपर, है ना। जैसे एक एरे है आपके पास, तो उसमें इनिशियल जितने भी जीरो हैं वो एंड में चले जाएं। आई एम जस्ट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्ट्रिंग को रिवर्स करना विदाउट यूजिंग जो फंक्शंस आपको जावास्क्रिप्ट देता है उसका इस्तेमाल नहीं करना। स्लाइस क्या होता है, स्लाइस फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोटोटाइप क्या होता है, ये अब जो टाइम था ना पहले वाला वो जा चुका है। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट है, क्वेश्चंस उस तरीके से बदल दिए गए हैं इंटरव्यू के टाइम पे। प्रोमिसेस क्या होता है, मतलब मैं अभी जावास्क्रिप्ट के अराउंड हूँ, बट सबसे बेस्ट आपको जो भी पाथ बताने वाला हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ बताने वाला हूँ, जिसमें आप एक क्लैरिटी ले सकते हो कि HTML, CSS और वनीला जावास्क्रिप्ट, इन तीनों पे अच्छी पकड़ करनी है। और इस पे मुझे एक वेबसाइट बनानी है, टेम्पलेट यू कैन रेफर फ्रॉम W3 लेआउट्स, जहाँ पे फ्रीली टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, और यू कैन राइट, आप खुद का कोड भी लिख सकते हो, आप खुद HTML टैग लिखो। इनिशियल टाइम पे तो कहूँगा खुद ही लिखो, कोई VS एडिटर कुछ यूज़ मत करो, नॉर्मल नोटपैड यूज़ करो और अपने आप को ब्रशअप करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अब जब HTML, CSS, JavaScript का यूज़ करके एक एप्लीकेशन बना लोगे, इट कुड बी क्विज एप्लीकेशन, इट कुड बी लॉगिन बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, जहाँ पे आप लोड भी, देखो प्रोजेक्ट इतना हाईफाई ना भी हो चलेगा, आप क्विज एप्लीकेशन बना सकते हो, आप लॉगिन बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, आप यूज़र मैनेजमेंट वाली एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसमें मेन पता है ऑब्जेक्टिव क्या रहता है प्रोजेक्ट का, जितना भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना वो सारे वहाँ पे यूज़ हो रहे हो, ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी प्रोजेक्ट का। ऐसा नहीं है कि आपको फेसबुक बना देना है, कोई भी आपसे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा इंटरव्यू के टाइम पे, वो खाली आपके फंडामेंटल चेक करते हैं जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो। जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, एज एक्सपीरियंस भी दिए ना, खाली फंडामेंटल आपका अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेशर टाइम पे अगर आपको करियर स्टार्ट करना है, मैंने सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ओल्डो HTML, CSS, वनीला जावास्क्रिप्ट अच्छा कर लो। जैसे ही अगर आपकी ये तीनों चीज़ें हो जाएं, आप रिएक्ट या एंगुलर और Vue.js, इनमें से आप एक चीज़ ऑप्ट कर लो। मैं फ्रेशर्स को यही कहता हूँ कि आप रिएक्ट की ओर जाओ, इवन मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, खाली इसलिए नहीं कि मैंने बना रखी, इसलिए मैं आपको रिएक्ट कह रहा हूँ। रिएक्ट को समझना थोड़ा ज़्यादा आसान है, बट जब मैंने अभी लास्ट एंगुलर अभी पढ़ा, मैं एंगुलर पढ़ रहा था, ट्रेनिंग मिली थी मुझे ऑफिस में, एंगुलर बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, और फिर फ्रेमवर्क ही होता है। मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि रिएक्ट में एग्जीक्यूशन कंट्रोल और जो मैं कोड लिख रहा हूँ सारा कंट्रोल डेवलपर के हाथ में है, बट एंगुलर में क्या ब्यूटी है कि जो कोड मैंने लिखा उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, बट जो एग्जीक्यूट वाला पूरा पार्ट है वो फ्रेमवर्क के हाथ में है। फ्रेमवर्क अपने हिसाब से बताएगा भाई ये चीज़ ठीक है नहीं है, और फिर चाहे सर्विसेज को इंजेक्ट करना हो, बहुत ही फैसिनेटिंग है। बट एंगुलर फिर अपने आप में 7 से 8 महीने लेगा विद प्रोजेक्ट के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। एंड उसमें HTML, CSS, JavaScript वाला टाइम भी इंक्लूडेड है, बट अगर आप HTML, CSS, JavaScript और React जाते हो तो मेरे हिसाब से आप 4 से 5 महीने में बहुत अच्छा अपने आप को कर सकते हो, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। एक सवाल ये भी रहता है कि DSA क्या इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के टाइम पे? देखो फ्रंट एंड में जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए ना, ज़्यादातर उनका ऑब्जेक्टिव रहता है या तो आपसे वेबसाइट डिज़ाइन करवाएंगे, या फिर कोई आपसे मॉड्यूल डिज़ाइन करवा रहे होंगे, या मेन्यू बार डिज़ाइन करवा रहे होंगे, या बैनर डिज़ाइन करवा रहे होंगे। अगर प्रोफाइल प्योर
वेब डिज़ाइनर वाली है, मतलब जहाँ पे वो आपसे डिज़ाइनिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर जगह डिज़ाइनिंग एक्सपेक्ट नहीं होता, जैसे मेरे केस में मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ डिज़ाइनिंग में, ऑल्दो मैं समझता सब हूँ बट एक्सपीरियंस नहीं है, तो वैसा कॉन्फिडेंस नहीं है, है ना। डिज़ाइनिंग मैं कर लूँगा बट शायद कोई प्रो बंदा होगा ना जो डिज़ाइनिंग करता होगा, शायद मैं वैसी ना कर पाऊँ, भाई एक्सपीरियंस नहीं है ना तो कैसे कर पाऊँगा, राइट। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए अपने बारे में। तो जब मैं कभी भी जेएस का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या फ्रंट एंड पे देने जाता हूँ, तो पहले मैं क्लियरली रिएक्ट के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी, इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है। कहीं की जगह आप स्क्रेच से काम कर रहे होगे तो आप उस दौरान सीख लोगे, बट सीखने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, आपको CSS प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, है ना। बूटस्ट्रैप को आपको आइडिया होना चाहिए जो CSS फ्रेमवर्क हैं, ताकि आपको पता रहे कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। इसलिए मैं हमेशा, जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है ना, बेस अगर अच्छा है ना भाई, तो चाहे प्रोजेक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी क्यों ना हो, अगर बेस अच्छा है तो आप समझ सकते हो कोड को। एक हफ्ता आप बैठोगे कोड का वॉक थ्रू करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि देखो, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पे वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करें, हर कोई ये बात कर रहा है HTML CSS JavaScript, राइट। बट एट द सेम टाइम ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि खाली मैं करे जा रहा हूँ, और भी जो बातें हैं जो इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान रखी जाती हैं कि मैं खाली HTML में बहुत टाइम लगा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो HTML CSS JavaScript और React Angular में से या Vue में से एक ऑप्ट कर लेता हूँ, और 4 से 5 महीने React को दे देते हैं, अगर फ्रेमवर्क कर रहे हैं तो 8 से 9 महीने दे देते हैं, है ना। तो अगर आप ये कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा ऐसा प्योर फ्रंट एंड प्रोफाइल। अगर आपको फुल स्टैक के लिए जाना है ना गाइज, मैं आपको यही कहूँगा कि आप मीन या मर्न पकड़ो, आप एज अ जावा कॉम्बिनेशन और फिर फ्रंट एंड पे रिएक्ट या फिर यू नो आप एंगुलर पकड़ रहे हो, वो थोड़ा सा ना इंटरव्यू बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो होता क्या है, 1 घंटे का आपका फ्रंट एंड पे राउंड हो रहा है, 1 घंटा आपका बैक एंड पे हो रहा है। कभी कभार आप कंपनी में आप जाओगे या तो एक टाइम पे आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे होगे या बैक एंड पे कर रहे होगे, ठीक है। आप ऐसा फुल स्टैक जा रहे हो, आजकल हर कंपनी फुल स्टैक मांग रही है। मैं जितने भी फ्रेशर अभी देख रहे हैं उनको यही एडवाइस करूँगा, ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें फुल स्टैक जाना है ना, और अगर तुम्हारी प्राइमरी लैंग्वेज, मनपसंद लैंग्वेज तुम्हारी जावास्क्रिप्ट है, तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि भाई मीन या मर्न पकड़ो, ऐसे कॉम्बिनेशन मत पकड़ो जावा कर लेता हूँ, क्योंकि जावा बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत वास्ट है। जावा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है MNC के अंदर। बट अगर एज अ कॉम्बिनेशन जाओगे ना, आप जावा कर लेता हूँ बैक एंड में, फ्रंट एंड में रिएक्ट कर लेता हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बिल्कुल करो यार, मैं मना नहीं करूँगा, मैंने भी किया था, ठीक है, मेरा यही है। बट मैं क्या सजेस्ट करता हूँ फ्रेशर्स को कि भाई मीन या मर्न पकड़ो, टाइम भी कम लगेगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जावा बहुत वास्ट है, जब अगर इंटरव्यू आप प्रोडक्ट बेस में देने जाओगे ना, तो भाई लेनी देनी कर देते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा डेप्थ चले जाते हैं। फिर अगर तैयारी वैसे नहीं होगी तो फिर आप स्टक हो जाओगे, फिर आधे लोग क्या करते हैं कि फुल स्टैक छोड़ के फिर फ्रंट एंड में इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे इंटरव्यूज़ दिए हैं, सर्विस बेस में तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो, प्रोडक्ट बेस में फिर वो बहुत ही डीप जाएगा। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट काम आपने वैसा नहीं किया है ना, तो आप एफर्ट्स ठीक है लगा रहे हो, ठीक है, बट वहाँ थोड़ा स्मार्ट मूव करना है कि ठीक है मुझे इतने में इतना ऑफर मिल रहा है, मुझे फ्रंट एंड में भी इतना मिल रहा है, तो फ्रंट एंड में चलते हैं आराम से, काम तो एक टाइम में एक ही करूँगा ना। ऐसे अपने आप को समझाना है, अपने आप से बात करनी है और डिसीजन लेना है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इंटरव्यू के टाइम पर ध्यान रखनी ही रखनी है, ठीक है। स्टैक प्रोफाइल की बात होती है ना, तो उसमें फ्रंट एंड में आपके पास एक टेक्नोलॉजी होना चाहिए जैसे फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी, और बैक एंड में आपके पास कोई बैक एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, राइट। और साथ में ये गिट का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर कंपनी अपना कोड बेस किसी रेपोजिटरी में मेंटेन कर रही होती है, जैसे गिट हो गया, SVN हो गया, CVS हो गया, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे कोड को पुश करना है, कैसे चेक इन करना है, कैसे कोड मर्ज करते हैं, उसका आपको साथ में नॉलेज होना चाहिए। बाकी देखो, अगर आप प्योर फ्रंट एंड प्रोफाइल में जा रहे हो, तो अगर आपका एरे स्ट्रिंग अच्छा है और सेट आपको पता है, मैप कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप इजीली हैंडल कर लोगे अगर आपने कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं। इवन अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो कर रखी हैं DSA वाली 21, उतनी काफ़ी हैं। अगर आप प्योर बैकएंड में जा रहे हो तो फिर वो बहुत डीप जाएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो लेवल है वो बहुत बढ़ भी सकता है। बाकी इट्स ऑल डिपेंड इंटरव्यू कंपनी टू कंपनी, बट ये सब चैलेंजेस रहते हैं उस दौरान। तो एक कंपनी चाहती है कि बंदे को बैकएंड में एक लैंग्वेज आती हो, फ्रंट एंड पे एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी आता हो, और साथ में उसको डेटाबेस का एक डेटाबेस MySQL या Oracle या NoSQL हो, उसका नॉलेज होना चाहिए, तो एक वो फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है, राइट। अब समझना मेरी बात को, तो क्यों ना मीन में जाए, MongoDB ठीक है, NoSQL हो गया, और आपका फ्रंट एंड पे React Angular हो गया, Node.js आपका बैक एंड हो गया, सबसे बेस्ट है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट और अच्छा पैकेज।
तो जितने भी इंजीनियर्स अभी मुझे देख रहे हैं एज अ फ्रेशर, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि भाई फोकस करो इस चीज़ पे, टाइम भी कम लगेगा, चीज़ें ज़्यादा होंगी, अच्छे से होंगी और सिलेक्ट भी हो जाओगे एज अ फुल स्टैक। अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन पकड़ोगे ना, जावा और ये वाला फ्रंट एंड वाला, ये क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मेरा स्टार्ट हुआ करियर एज अ बैक एंड, अब फिर मेरा इंटरेस्ट फ्रंट एंड में था, तो इसलिए फिर मुझे फ्रंट एंड साथ में ऐसे चला के चलना पड़ा, जावा और फ्रंट एंड वाला पार्ट साथ में ऐसे लेके चलना पड़ा। बट ठीक है, मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि चलो जो मुझे पता चल रहा है मैं आपको बता दूँ, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाओ। और ये है जी चीज़ें। बाकी मैंने आज ज़्यादा बात ना रिएक्ट के ऊपर एंगुलर पे की नहीं, क्योंकि मैंने सब पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, फिर वो कंटेंट रिपीट होता, इसलिए अगर जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ज़रूर देख लेना। और बाकी मैंने ज़्यादा डीप में उनके बारे में बात नहीं की, मैंने ज़्यादा कोशिश की अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। तो अगर मैं अपना इंटरव्यू बताऊँ ना, तो कहीं जगह इंटरव्यूज बहुत अच्छे भी गए, कहीं जगह एज अ फुल स्टैक गया, मुझे लगा बहुत अच्छा है, बट सामने डिसीजन लाइक फेवर में नहीं था। तो जितना मुझे समझ आया ना, कि जब इस तरीके के कॉम्बिनेशन रहते हैं ना, बैक एंड में जावा, फ्रंट एंड में रिएक्ट, तो एक टाइम पे या तो मैं रिएक्ट में बहुत अच्छा कर रहा हूँगा, लेटेस्ट जो मैंने प्रोजेक्ट किए हैं वो बहुत अच्छे चल रहे होंगे, राइट। बट बैक एंड में अगर बहुत डीप चला गया, मैंने करंटली काम नहीं किया, तो चाहे मैंने तैयारी भी कर ली इंटरव्यू की, बट फिर वो ये स्ट्रगल रहता है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया, तो इसलिए मीनिया मर जाओ, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, एंड मैंने होस्टिंगर के डिटेल्स दे रखे हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट, एंड लाइक जरूर करना, कमेंट करना। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच।